हम लोग सबसे पहले आए, कल हम उन लोगों हमने क्या किया, हमने क्योंकि जो प्रोसीजर से ही तो काम करेंगे, प्रोसीजर से कैसे काम करेंगे, हमने टाइम ही तो मांगा है ना, 5 मिनट का समय। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Actually क्या हुआ, कल हम लोग जो सामने वो जो बैठे हुए बेरोजगार युवक धरने पर, उन लोगों से मिलने आए थे। उन्होंने बोला कि 2018 में उनकी परीक्षा हुई थी, दिसंबर 2019 में उनकी काउंसलिंग भी कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद भी मतलब ये जो RPSC है उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करी है। तो हमने बोला ठीक है, कल हम जाकर RPSC में बात कर लेंगे। तो आज यहाँ आकर गुप्ता जी से मिलने का समय मांगा, उनको फ़ोन किया हमने यहाँ आकर के, तो उन्होंने बोला किस बारे में मिलना चाहते हैं, तो हमने साफ बोला मैंने कहा कि हम जो सामने बेरोज़गार युवक बैठे हैं उनके बारे में, तो उन्होंने कहा इस बारे में मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, ये कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। दोबारा फ़ोन करने की कोशिश करी, उन्होंने नहीं उठाया। तब उप्रीति जी को हमने फ़ोन मिला दिया और उनसे बात करी, तो उप्रीति जी ने भी यही बोला, बोले अभी तो मैं मीटिंग्स में बिजी हूँ। मैंने कहा सर आप टाइम बता दीजिए, हम उस टाइम पर आ जाएंगे आपसे मिलने। तो बोले किस बारे में मिलना है, मैंने कहा सामने जो बच्चे बैठे हैं, बोले उस बारे में, तो आप सेक्रेटरी साहब से मिलिए। मैंने उनको कहा सेक्रेटरी साहब ने साफ मना कर दिया है, पर उन्होंने कहा कि नहीं इस बारे में तो सेक्रेटरी से ही मिलना पड़ेगा, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। यही है, जब बात की सुनवाई नहीं होगी तो आदमी आम जनता क्या करेगी, आके चुपचाप बैठेगी तो सही। अब ये लोग धारा 144 का हवाला दे रहे थे, तो बाकी के साथ ही बाहर चले गए हैं, हम अकेले तो बैठ सकते हैं, अगर यहाँ से भी उठा देंगे। देखिए 300 मीटर के बाहर जो लोग बैठे हैं वो तो ये लोग बोल रहे हैं कब तक बैठेंगे, ये कह करके इग्नोर कर रहे हैं। तो इनकी अगर इनकी आंखों को खोलना है, इनकी कानों में जो तेल पड़ा हुआ है उसको हटाना है, तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा ना, और ज़्यादा वो है तो ये मिल लें, हम तो मिलने को तैयार हैं, आज भी हमारे को समय दे दें, कम से कम ये तो बताएं कि रिजल्ट डिक्लेयर कब करेंगे। कीर्ति पाठक। परमिशन लीजिए पहले आप, मैं जो आपको निवेदन कर रहा हूँ ना वो आप सुने पहले, धमकाने वाली कोई बात ही नहीं। कैसे, क्यों नहीं मिलेगा, ये किसके बैठे हैं ऑफिस में, काम करने बैठे हैं ना,